हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक असाइनमेंट 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये है वेरीफाई यूलर फार्मूला इन द फॉलोइंग पॉलीहाइड्रोन। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो फिगर बनी है उसमें हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला फेस, वर्टाइज और एजिस। ठीक है, तो हम इस फिगर में जितने भी फेस हमें दिखाई दे रहे हैं वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं मार्क कर रही हूँ रेड पेन से। हमारा पहला फेस बनेगा ए बी और सी डी, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ओके, तो हमारा सबसे पहला फेस बनेगा ए बी सी डी। उसके बाद जो ये रेक्टेंगल है उसको हाफ डिवाइड करती है एक लाइन सेंटर से जो जा रही है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। तो दूसरा मेरा फेस बनेगा ए बी सी और थर्ड हमारा फेस बनेगा इस ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड, बिल्कुल उल्टा जो ट्राइंगल बन रहा है इसके साथ में, ए सी डी। ठीक है, तो थर्ड मेरा ट्राइंगल बन रहा है, थर्ड मेरा फेस बन रहा है ए सी डी। ओके, थोड़ा सा बच्चों कैमरा धुंधला हो गया है पहले, अब आपको मैं क्लियर करके दिखाती हूँ मैंने क्या लिखा है। ये देखो, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अगला जो हमारा फिगर बन रहा है बच्चों फेस, वो है ए बी और डी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी। अगला जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है बच्चों वो बन रहा है, ये ट्राइंगल है बी सी ई। ठीक है, बी ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ई से टच करती हुई और ये सी। ठीक है, ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है बी ई सी या बी सी ई, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बी ई और सी। अगला जो ट्राइंगल है बच्चों वो हमारा बन रहा है बी सी डी, तो हम इसको भी लिख लेते हैं बी सी डी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बी सी डी। नेक्स्ट जो हमारी फिगर बन रही है बच्चों, इसमें बहुत सारे फेस आपके बन सकते हैं, तो मैं अगला बना रही हूँ बी सी ई और डी, ये भी एक शेप बन रही है, ये भी एक फेस बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बी सी ई डी। नेक्स्ट आपको बन सकता है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बन रहा है ए सी ई और डी, ये भी एक फिगर बन रही है, ये भी एक फेस बन रहा है हमारा। ठीक है, तो हम इसे भी लिख लेते हैं ए सी ई और डी। ओके, अगला फेस हमारा बन रहा है बच्चों ए बी ई डी। ठीक है, ए बी ई डी, तो ये हमारे फेस बन रहे हैं। तो बच्चों जो मुझे फेस नज़र आ रहे थे, जो मुझे दिख रहे थे वो मैंने बता दिया। आप वीडियो को ध्यान से देखा करो, अगर कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं दोबारा से करेक्शन करके वीडियो बनाकर डाल दूंगी। ठीक है, अब जितने फेस मुझे नज़र आ रहे थे बच्चों वो मैंने बना दिए हैं। हमने फेस काउंट किए तो हमारे फेस बन रहे हैं 9। ओके, अब हमें लिखने हैं वर्टाइज। वर्टाइज तो बहुत ही ईजी है बच्चों, जो भी हमारे ए बी सी डी नाम है वो सब हमें यहाँ पर लिख देने हैं। मैंने आपको बताया था ये जो नाम होते हैं ए बी सी ई डी, ये हमारे वर्टाइज होते हैं। तो लिख देंगे ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये हो गए 5। अब हमारे बचे हैं एजेस, तो हम एजेस भी काउंट कर लेते हैं अपने। एजेस के लिए मैंने बताया था बच्चों जो ये पूरी पूरी लाइन है वो हमारे एजेस होते हैं। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और अंदर से देखेंगे 6, ये 7 और ये 8 और ये 9। तो हमारे 9 जो हैं वो एजेस हो गए। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मैंने एजेस के नाम लिख लिए, ये हैं ए बी बी सी सी ई डी ई ए डी ए सी बी डी सी डी और बी ई। ठीक है, आप जिस मर्जी लाइन का नाम पहले लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारे हमारे एजेस हो गए। एजेस आप काउंट करोगे बच्चों तो हो रहे हैं ये हमारे 9। ठीक है, आप चेक करोगे तो ये हमारे 9 एजेस बैठ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी बच्चों इक्वल टू 9। ठीक है,
अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू टू। ये हमारा फॉर्मूला यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ आपकी बुक में क्या लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपकी बुक में बच्चों कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, कुछ फिगर दी गई हैं वर्टाइज फेस और एजेस की, ठीक है। और कुछ फिगर के ऊपर ये अप्लाई होते हैं, जैसे क्यूबॉइड रेक्टेंगल प्रिज्म के ऊपर ये अप्लाई होता है। सेकंड है ट्राइंगल ट्राइंगुलर प्रिज्म के ऊपर सेकंड वाली लाइन जो है वो अप्लाई होती है। इसी तरह से बहुत सारी फिगर यहाँ पर दी हैं, 5-6 फिगर दिए हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले उस पर अप्लाई होते हैं। लेकिन बच्चों अगर किसी फिगर पर ये फार्मूले अप्लाई नहीं होते तो वो आंसर हमारा क्या होगा, नॉट वेरीफाइड होगा, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट वेरीफाइड। ओके, अब यहाँ देखो बच्चों हम अपने फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ बी की वैल्यू हमारे पास है 5, एफ की वैल्यू 9 है और एजेस की वैल्यू भी हमारी 9 है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5, जो कि नॉट वेरीफाइड है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा से क्वेश्चन को चेक करके आपके लिए दोबारा वीडियो बनाकर डाल दूँगी, ठीक है। इसका मतलब आप बच्चों ध्यान से वीडियो नहीं देखते हो, जो आपको पता ही नहीं चलता। सिर्फ कॉपी करने से आपका काम नहीं चलेगा, वीडियो को ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। अगर मेरे क्वेश्चन में कोई गलती है तो मुझे बताओ, मैं उसे करेक्ट करूँगी, ठीक है। तो बच्चों क्योंकि आपको मालूम है आपकी बुक के सोल्यूशन कहीं पर भी नहीं अवेलेबल हैं, मैं खुद करती हूँ और खुद ही फिर आपके वीडियो बनाकर डालती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखो और कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। थैंक यू।